हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंघल अपने चैनल अभिषेक सिंघल ऑफिशियल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज पार्ट 1, और हम लोग इस टॉपिक को दो पार्ट में करेंगे, और जनवरी 2019 से लेके अक्टूबर 2019 तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अदर कंट्री के साथ हुआ है वो देखेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मेरा चैनल का नाम है अभिषेक सिंघल ऑफिशियल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, मेरे चैनल का ही लोगो है ऊपर का, आपको इसी तरह का दिखाई देगा। अभिषेक सिंघल ऑफिशियल फ़ोटो लगा हुआ है मेरा। चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चैनल अभिषेक सिंघल ऑफिशियल। आते हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज जो कि है, पहला एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच, जो कि अक्टूबर 19 से नवंबर 2 के बीच में किया जाएगा। हो गया है अक्टूबर 19 से नवंबर 2 के बीच हुआ है, मिजोरम में एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। बहुत फ़िलहाल हुआ है, अभी दो दिन पहले हुआ है एक्सरसाइज, इंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक कौन सा है, धर्मा गार्डियन किसके किसके भी, इंडिया और जापान के बीच मिजोरम में हुआ है, और जो मिजोरम में हुआ है अक्टूबर 19 से नवंबर 2 के बीच में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज लगभग अप्रोक्स सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, NTPC का आ रहा है, उसमें तो पूछा ही जाएगा। CGL SSC का जितने भी एग्जाम हैं सभी में पूछा जा रहा है। आइए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं इम्बेक्स जो है आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार, और बी से होगा बायलेटरल एक्सरसाइज, EEX एक्सरसाइज। मींस देखिए, इसका याद करने का तरीका है, इम्बेक्स आई से इंडिया हो जाएगा, एम से म्यांमार, मींस इंडिया और म्यांमार के बीच बायलेटरल जो एक्सरसाइज है वो इंडिया इम्बेक्स, उसी को इम्बेक्स बोलते हैं, जो 2018 और 2019 के बीच में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, यह हुआ है चंडीगढ़ में हुआ है, और सेकेंड एडिशन वाला है, सेकेंड एडिशन एक्सरसाइज है। तो यहाँ बात आती है कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो आपको बता दूँ कि फर्स्ट एडिशन जो हुआ था एक्सरसाइज, ये हुआ था 2017 में, और 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में हुआ था, और ये हुआ था मेघालय में एक उमरी नाम के जगह है, वहीं पर हुआ था, उमरी नाम का जगह है यहाँ पर मेघालय में, ये हुआ था फर्स्ट एडिशन, जो इम्बेक्स का फर्स्ट एडिशन है, और ये कौन सा है, सेकेंड एडिशन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, और जो कि 2018-19 एक्सरसाइज है, और फर्स्ट एडिशन 2017 में हुआ था, जो कि मेघालय उमरी में हुआ था, इंडिया म्यांमार के बीच, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है काजिंद। काजिंद मीन्स देखिए, KAZ से क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान, और IND से इंडिया, मीन्स एक्सरसाइज किस किन दो देशों के बीच में हुआ है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है, जिसका नाम है काजिंद। याद करने का बहुत आसान तरीका है, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। तो काजिंद 2019 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ये हुआ है उत्तराखंड में, पिटोग्राफ नाम का जगह है उत्तराखंड में, वहीं पर हुआ है, और एक्सरसाइज 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2019 के बीच में हुआ है, और ये है फोर्थ एडिशन एक्सरसाइज है, विच कंडक्टेड अल्टरनेटिव इन कजाकिस्तान एंड इंडिया। अल्टरनेटिव, इसके पहले जो एक्सरसाइज हुआ था वो कजाकिस्तान में हुआ था, उसके पहले जो इंडिया में हुआ था, उसके पहले जो हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, तो उसके पहले वाला जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड
जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग को करंट पूछा जाएगा। ऐसे आप लोग बोलेंगे तो उसके उस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आते हैं इक्वेरिन 2019, जो कि 10th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुआ है। और एक्सरसाइज कब से कब हुआ है? 7 से 20 अक्टूबर के बीच में हुआ है, 7 से 20 अक्टूबर के बीच में एक्सरसाइज हुआ है। और ये हुआ एक्सरसाइज पुणे और महाराष्ट्र दो जगहों पर हुआ है एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में स्टार्ट हुआ था। और ये कौन सा एडिशन है? आपको ये 10th एडिशन है, उसके पहले वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है नोमेडिक एलिफेंट 14th एडिशन है, जो कि इंडिया और मंगोलियन के बीच में एक्सरसाइज मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ है। और ये 14 दिन का एक्सरसाइज था। और एक एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि बकलोह नाम का जगह है, वहीं पर हुआ है। और एक्सरसाइज 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में हुआ है, 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ है एक्सरसाइज। 14 डेज एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, तो नोमेडिक एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है, और 14th एडिशन एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुआ है? आपको जगह का नाम याद नहीं करना है, स्टेट नाम याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और 5 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में 2019 में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इंडिया आर्मी बिगिन इट्स फर्स्ट माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज हिम विजय इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी एक माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है हिम विजय, और एक अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों में हुआ है। तो पढ़ते रहें, द इंडिया आर्मी विल बिगिन इट्स फर्स्ट एवर माउंटेन कॉम्बैट ऑन अक्टूबर 7। एक्सरसाइज इज टू रेस्ट द मोबिलिटी कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द ट्रूप इन डिफिकल्ट ट्रेन। मीन्स इसका कहने का मतलब है, एक्सरसाइज का मेन पर्पस है कि जो हमारे फोर्स हैं, आर्मी फोर्स हैं, उनको मोबिलिटी कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे है पहाड़ी इलाकों में लड़ने का, कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जो कि डिफिकल्ट कंडीशन में आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके संदर्भ में एक्सरसाइज रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के पहाड़ी में हुआ है। ठीक है, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखना है, इसमें कितने ग्रुप थे? 15,000 ट्रूप्स जो कि आर्मी थे, हमारे सैनिक थे, उनके बीच में एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट है सिटमैक्स, जो कि सिटमैक्स एक्सरसाइज हुआ है, जो कि इसमें किस किस बीच में है? ये ट्रायल एक्सरसाइज है इंडियन सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। देखिए सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड और एम से मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, एम से मिलिट्री, ई एक्स से एक्सरसाइज 2019। तो यह है तीन देशों के बीच, मैंने ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी के बीच में और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाईलैंड नेवी, मीन्स ये नेवी एक्सरसाइज है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? फोर्ट ब्लेयर, वहीं पर हुआ है। और सिटमैक्स ये 5 दिन का एक्सरसाइज है, 5 डे लॉन्ग एक्सरसाइज हुआ है, जो कि 2019 में हुआ है, डेट इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चैंगथेंग, जो कि एक्सरसाइज आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है, जो कि लद्दाख बॉर्डर की में एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया चाइना नाम से आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट इंडो यूएस टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, जो कि इसका नाम है ट्राई ट्रिम्स, जो कि विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में हुआ है। और एक्सरसाइज नवंबर 2019 में हुआ है, और यह दूसरी बार हुआ है, इसके पहले
पहली बार या दूसरी बार एक्सरसाइज आपको पहला याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया है, इसमें आर्मी भी किए थे, नेवी किए थे और एयरफोर्स, भारत के जो तीनों सैनिक हैं, तीनों सैनिक की इसमें पार्टिसिपेशन थी। ठीक, नेक्स्ट तो इसमें देखते हैं इंडिया इंडो यूएस टाइगर ट्रंप किसके फिल्म इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में नवंबर में एक्सरसाइज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मालाबार 2019 एक्सरसाइज है, 23rd एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल मेटेन एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया इंडिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस जो कि तीनों आपस में एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो कि मालाबार 2019 हुआ है, मालाबार इसका नाम है। और ये एक्सरसाइज जापान में हुआ है, जापान के सासेबो नाम की जगह है, वहीं पर हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ससिन एट एट एडिशन एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है चाइना एंड पाकिस्तान के बीच, नेम इसका साहिन एड है, जो कि हेल्ड इन होल्टन में हुआ है, चाइनीज सिटी होल्टन है उस वहीं पर हुआ है और लोकेटेड क्लोज टू द नियर बॉर्डर नियर लद्दाख और लद्दाख के बीच में जो कि लोकेटेड है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने ले लिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2019 द इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ड्रिल नेम्ड एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, जो कि कहाँ हुआ है, वाशिंगटन यूएसए में हुआ है, 5 से 18 सितंबर 2019 के बीच में हुआ है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। और इसी एक्सरसाइज में आप एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, इसमें यूएस जो आर्मी यूएस जो फोर्स हैं उन्होंने इंडियन नेशनल एंथम पर संग पर रिएक्शन दिया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास 15वां एडिशन एक्सरसाइज है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, जो कि इंडिया श्रीलंका के बीच में है, तो एस एल आई श्रीलंका, एस एल से श्रीलंका हो जाएगा, एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, एक्स एक्सरसाइज स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका नेवी के बीच में हुआ है और एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सितंबर 7 सितंबर 2019 को एक्सरसाइज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इंडो थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि इसको मैत्री बोलते हैं, मैत्री एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, ये मेघालय में हुआ है, 16 से 29 सितंबर 2019 के बीच में हुआ है। हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं इन अक्टूबर लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी तक जाएंगे, जितने इम्पोर्टेंट हैं सभी को देखें। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो को देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो ये कहाँ पर हुआ है, 16 से 29 सितंबर 2019 में हुआ है। एक्सरसाइज मेटेन इज एनुअल ट्रेनिंग इवेंट विच बींग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड सिंस 2006, एक्सरसाइज 2006 से ही स्टार्ट हुआ है, 2006 से एवरी ईयर होता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं शक्ति, जो कि इंडियन एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है, शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गरुदा शक्ति, जो कि इंडियन एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति, इंडियन एंड श्रीलंका के बीच में होता है। और हरिमाओ शक्ति, जो कि इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए लास्ट, इंडियन चाइना टू कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन मेघालय, इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है हैंड इन हैंड, जो कि मेघालय में हुआ है और एक्सरसाइज मेघालय में दिसंबर 2019 में होगा, अभी होने वाला है, 2019 दिसंबर में होने वाला है और एक्सरसाइज उमरी में होगा, उमरी मेघालय में होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो इतना ही है, एक देख लेते हैं, एक लास्ट है, हाँ, जो कि है इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टी सेंटर 2019, जो 10 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में रशिया में एक्सरसाइज होने वाला है। इंडिया बिकम द फुल मेंबर ऑफ एसयू इन जून 2019, और जो एसयू है जिसको बोलते हैं क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री एक्सरसाइज,
जो कि चाइना में होता है। इसमें तीन कंट्री रसिया, चाइना और इंडिया पार्टिसिपेट होता है। इसमें बहुत सारे कंट्री हैं जो कि शंघाई, इसमें देखिए कंट्री कौन कौन सा कंट्री है, आपको इम्पोर्टेंट कंट्री बताए हैं। इसमें देखिए चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान। इतने कंट्री इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में इसका मेंबर बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को पास दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।